हाई मॉमीज़ एंड डैडीज़ वेलकम बैक टू मॉन्गकॉम इंडिया आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कबीर का स्कूल डे रूटीन बहुत लोगों ने उसका रूटीन रिक्वेस्ट किया था सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सो so, कबीर की स्कूल डेज पे मॉर्निंग स्टार्ट होती है एट सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग कबीर को स्कूल के लिए रेडी करना और लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौरभ ने ली हुई है बिकॉज मैं इस टाइम पे नूर को देखती हूँ सो so, सबसे पहले सॉरेव उसके कपड़े रेडी कर देते हैं उसके बाद कबीर को उठाते हैं उठाने के बाद उसको बाथ के लिए लेके जाते हैं कबीर को सुबह शावर लेके जाना ही प्रेफर होता है विंटर्स में भी बिकॉज उसको ऐसे लगता है कि उसको फ्रेशनेस मिलती है इसके बाद वो रेडी हो जाता है रेडी होने के बाद वो बाहर जाता है बाहर जाके हनी का एक चम्मच लेता है ताकि उसकी बॉडी में वॉर्म रहे और उसके बाद वो बहुत ही लाइट कुछ ब्रेकफास्ट करता है वो लाइट ब्रेकफास्ट इसलिए करता है बिकॉज उसका स्कूल में ब्रेकफास्ट होता है बिटवीन एट टू नाइन फिर उसको भूख नहीं लगती अगर वो कुछ हैवी खाते के जाता है तो नॉर्मली वो इस टाइम पे एक बॉइल्ड एग खा लेता है ऑमलेट खा लेता है बाद सौरभ कबीर को स्कूल से छुट्टी हो जाती है जिसके बाद वो घर आता है अराउंड वन वन फिफ्टीन के बीच में घर आने के बाद वो सबसे पहले आके पीता है एक जूस नॉर्मली ये फ्रूट जूस होता है बट कभी कभी हम इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट का मिक्स कर देते हैं क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और उनको फ्रूट्स देने की ओपर्चुनिटी नहीं मिलती तो ये परफेक्ट टाइम होता है उन्हें कुछ हेल्दी दे देने का जिसके बाद वो लंच भी करेगा तो यहां पर वो जो जूस पी रहा है वो बहुत हेल्दी जूस है इसमें कैरेट है बीटरूट है आमला है पॉमीग्रेनेट डल जाता है एप्पल डल जाता है बेसिकली जो जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो सब हम यहां पर डाल के देने की कोशिश करते हैं ये जूस सौरभ भी उसके साथ पीते हैं ताकि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे और कबीर अपना पूरा ग्लास खत्म करे ये करने के बाद होता है कबीर का फ्री प्ले टाइम तो नॉर्मली वो घर पे फ्री प्ले कर लेता है बट क्योंकि नूर इस टाइम पे नीचे होती है तो वो भी प्रेफर करता है कि वो पार्क में जाए नूर से मिले और उसके साथ टाइम स्पेंड करे तो वो पार्क में ही आ जाता है उसको भी अच्छा लगता है कि थोड़ी धूप ले ले और वहाँ पर आके आराम से स्विंग्स एरिया में खेले ये सब अराउंड एक डेढ़ घंटा चलता है जिसके बाद हम वॉक पे ऊपर आते हैं ऊपर आने के बाद वो अपना लंच करता है यहाँ पर वो चिकन बिरयानी खा रहा है विच इज़ वन ऑफ his favorite dishes. एंड लंच करने के बाद बस वो सो जाता है सो so, कबीर अभी भी अपनी आफ्टरनून नैप लेता है ये उसका रूटीन चल रहा है बचपन से काफी लोग मेरे पूछते हैं कि आफ्टरनून नैप जरूरी है या नहीं तो इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है आपके बच्चे को जो सूट करे आप वो अप्लाई करें कबीर को आफ्टरनून नैप लेने के बाद भी नॉर्मली रात को दस बजे तक सोने में प्रॉब्लम नहीं होती है और वो सुबह फ्रेश स्कूल के लिए उठता है तो हम उसको एक छोटा सा एक घंटे का डेढ़ घंटे का नैप यहाँ पे लेने देते हैं बिकॉज वो बहुत टायर्ड होता है इसके बाद कबीर उठता है और स्ट्रेट रेडी हो के okay, चले जाता है अपने स्पोर्ट्स के लिए सो एवरी डे कबीर का कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स होता है चाहे वो वीकडे हो चाहे वो वीकेंड हो कभी बास्केटबॉल होता है कभी फुटबॉल होता है कभी उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है हमने उनके उसके लिए एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया हुआ है जो हफ्ते में एक से दो बार उसकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग जिसमें स्ट्रेचिंग रनिंग इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं अभी वेरी सून हम कबीर को क्रिकेट के लिए भी एनरोल करने वाले हैं सो so, कबीर को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो फ्री प्ले से ज्यादा प्रेफर करता है कि उसे कुछ स्पोर्ट्स करने को मिले आई थिंक दैट्स वॉट ही पर्सनली लाइक्स और इसलिए हम भी उसको सपोर्ट करते हैं तो इसके बाद जाके वो शाम को अपना स्पोर्ट्स करता है उसके बाद वापस आता है और आके उसको भूख लग जाती है तो कुछ स्नैक खाता है ये खाने के बाद वो थोड़ा सा और चिल करता है उसके बाद वो करता है पढ़ाई अब पढ़ाई उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होती है उसको स्कूल से होमवर्क मिलता है ओनली

ये करने के बाद कभी बहुत टायर्ड हो जाता है उसके बाद वो बस अपना डिनर करता है डिनर करने के बाद वो सो जाता है तो मैक्सिमम बाय 10 10 15 कबीर ऑफ टू बेड हो जाता है इससे ज़्यादा वो नहीं जाग पाता एंड देन वो एक अच्छी साउंड स्लीप रहता है रात को एंड मॉर्निंग में फिर से उठ के अगले दिन के लिए तैयार हो जाता है सो so गैज ये था कबीर का स्कूल डे रूटीन मैं इसी तरीके से उसका वीकेंड रूटीन भी आपको दिखाऊंगी जो स्कूल डे से काफ़ी अलग होता है बट येस स्कूल डेज उसके काफ़ी एक्शन पैक्ड होते हैं सुबह से रात कब हो जाती है पता भी नहीं चलता बट दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ ही लाइक्स इट कबीर को स्कूल जाना बहुत पसंद है कबीर को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है कबीर को आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ही इन्जॉयज स्टडिंग टू सो ओवरऑल वो अपना दिन अच्छा स्पेंड करता है अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या कबीर स्क्रीन देखता है तो डेफिनेटली देखता है बट हमने उसके स्क्रीन टाइम को कैप किया हुआ है ऑन अ डे उसका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है टू आवर्स वो उसको एक्सीड नहीं कर सकता एंड इसी तरीके से उसको अपना स्क्रीन टाइम मैनेज करना होता है मोस्टली उसका दिन इतना एक्शन पैक्ड होता है कि वो ये टू आवर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाता एंड टिपिकली एक से डेढ़ घंटा इज द मैक्सिमम टाइम दैट ही स्पेंड्स ऑन स्क्रीन ऑन वीक डेज सो अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा आई वुड बी हैप्पी टू आंसर अगर आपके छोटे बेबीज हैं तो मैंने अपनी बेटी नूर का रूटीन भी चैनल पर शेयर किया आप वो देख सकते हैं एंड कबीर का वीकेंड रूटीन देखने के लिए वेट जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप मिस ना करें थैंक यू बाय बाय